हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदनाचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे YouTube वीडियो थंबनेल के बारे में और जानेंगे कि YouTube वीडियो थंबनेल क्या है, YouTube वीडियो थंबनेल हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब इसकी बेनिफिट क्या है, और आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे एक प्रोफेशनल HD क्वालिटी वीडियो थंबनेल बनाएंगे, ये सब देखेंगे। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ ये कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए है। अगर आप एक बिगिनर्स है, मतलब अगर आपको डिज़ाइनिंग के बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आपने नया नया अपने YouTube चैनल को शुरू किया है बस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि वीडियो थंबनेल क्या होता है। देखिए, वीडियो थंबनेल और कुछ नहीं बल्कि हम लोगों की जो वीडियो है उसकी कवर है। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना, एक मूवी का जो पोस्टर होता है, ठीक उसी तरह से हम लोग जो YouTube वीडियो बनाते हैं उसकी जो कवर है वो वीडियो थंबनेल है। अब देखते हैं कि वीडियो थंबनेल हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब इसकी बेनिफिट क्या है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि YouTube में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा, तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वीडियो थंबनेल। अब आप पूछ सकते हैं कि वीडियो थंबनेल ही क्यों। देखिए क्या होता है कि अगर आपका वीडियो का जो थंबनेल है वो अगर अच्छा होता है, मतलब अट्रैक्टिव होता है, तो ऑटोमेटिकली जो व्यूअर्स है वो आपके वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यूज़र्स या फिर व्यूअर्स वीडियो में ज़्यादा क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली आपके वीडियो की जो CTR है वो इंक्रीज़ होगा। अब CTR क्या है? देखिए, CTR और कुछ नहीं बल्कि क्लिक थ्रू रेट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, CTR क्या होता है कि मान लीजिए कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं YouTube में, तो YouTube क्या करता है, खुद से उस वीडियो को ऑटोमेटिकली प्रमोट करना शुरू कर देता है। मान लो कि YouTube ने आपकी जो वीडियो है उस वीडियो को 100 लोगों तक पहुँचाया है या फिर उसको दिखाया है, अगर उनमें से 10 लोगों ने भी उस वीडियो के ऊपर क्लिक करता है तो आपके वीडियो की जो CTR है वो 10% है। जितना ज़्यादा CTR आपके वीडियो में होगा आपके चैनल के लिए या फिर आपके वीडियो के लिए उतना ही अच्छा है। तो इसीलिए अगर आपका CTR ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली आपके वीडियो की जो व्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अगर व्यूज़ ज़्यादा होता है तो वॉच टाइम भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा या फिर ज़्यादा होगा। अगर वॉच टाइम इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली जो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होगा। तो ये जो पूरी चेन है एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों की वीडियो की कंटेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट हम लोगों की वीडियो की थंबनेल भी है। इसलिए आपको थंबनेल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होगा या फिर अटेंशन देना होगा। देखिए, अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जितना हो सके आपके जो वीडियो का थंबनेल है उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा, एंड उसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि आपके वीडियो की जो थंबनेल है उसमें सस्पेंस अगर हो सके तो आपको क्रिएट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अपने जो थंबनेल है इससे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि नॉर्मली लोग क्या लिखते हैं अपनी वीडियो की थंबनेल की जो कवर है उसके अंदर, कि हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो थंबनेल या फिर प्रोफेशनल वीडियो थंबनेल, कुछ ऐसे टाइटल लोग नॉर्मली लिखते हैं। मैंने भी यही टाइटल लिखा है, पर इसको आप घुमा के भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे मैं थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा जो टाइटल है इसमें क्रिएटिविटी आ जाता है एंड लोगों को ये लगता है कि ठीक है मैं देख लेता हूँ आप कैसे थंबनेल डिज़ाइन करते हो। ठीक है, तो कोशिश करना कि जितना हो सके आप अपने जो वीडियो की जो थंबनेल है उसके अंदर सस्पेंस डालने की। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या पॉसिबल है कि हम लोग हर वीडियो में सस्पेंस डालें, तो मैं आपको कहूँगा कि जितना मेरा नॉलेज है तो मुझे तो नहीं लगता कि आप हर वीडियो में अपना जो सस्पेंस है वो डाल सके, पर कोशिश करना कि जितना हो सके आप डालने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक प्रोफेशनल HD क्वालिटी वीडियो थंबनेल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक टॉपिक चूज़ करना होगा, तो आइए टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं। हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल फ्रॉम मोबाइल, ये मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक प्रोफेशनल HD क्वालिटी वीडियो थंबनेल बनाऊंगा। तो प्रोफेशनल HD क्वालिटी वीडियो थंबनेल बनाने के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए पहले उसको थोड़ा देख लेते। सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज। ये जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं इस इमेज को मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने वीडियो की थंबनेल में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैं इस तरह की कुछ इमेज, मतलब मेरी खुद की इमेज में अपनी वीडियो की थंबनेल में यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो अपना जो इमेज है वो आप अपने
यूट्यूब की वीडियो की जो थंबनेल है उसके ऊपर आप अपना इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो मैंने ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करके इस इमेज को क्लिक किया है, मतलब बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाया है एंड सामने मैं बैठ के इस इमेज को मैंने क्लिक किया है। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है तो आप ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करके आप अपना जो इमेज है उसको क्लिक करना, तो ये बहुत अच्छी बात होगा। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर में कोई वाइट वॉल है, मतलब कि अगर कोई सफ़ेद दीवार है या फिर कुछ एक कलर की कोई अगर दीवार है तो उसके सामने आप खड़े होकर या फिर बैठ के आप अपना जो इमेज है उसको क्लिक कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जो आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा एंड आपने जो पहना होगा उस दोनों का जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो जब आप अपनी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो आप मेरा इमेज देख रहे हैं इस इमेज को मैंने खुद ही क्लिक किया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ट्राइपॉड है और मैंने अपने फ़ोन को ट्राइपॉड में सेट किया है और फ़ोन की जो फ्रंट कैमरा है उससे मैंने इस इमेज को क्लिक किया है। अब कैसे क्लिक किया है देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो मेरा जो फ़ोन है उसकी जो डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है उसके अगर हम सेटिंग्स पे जाएंगे तो उस पर एक ऑप्शन है जो कि शटर, उसके अंदर और एक ऑप्शन है जिसका नाम है वॉइस, उस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है एंड जब आप चीज़ बोलेंगे ना मुँह से तो ऑटोमेटिकली जो शटर है वो आपका जो इमेज है उसको क्लिक करने लगेगा। तो इसी फीचर्स का यूज़ करके मैं खुद अपना जो इमेज है खुद क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस का फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे रिमूव करेंगे। देखिए, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन से जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको सिंपली google.com टाइप करना होगा। google.com ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली लिखना होगा बैकग्राउंड रिमूवर। जब आप बैकग्राउंड रिमूवर लिखेंगे तो पहला जो रिज़ल्ट आएगा remove.bg, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं रिमूव इमेज बैकग्राउंड और ये 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अब यहाँ पे एक बटन है अपलोड इमेज, इस बटन पे क्लिक करके जो इमेज का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। आइए कर लेते हैं। मैंने इमेज सिलेक्ट कर लिया है और ये अपलोडिंग हो रहा है एंड देन प्रोसेसिंग होगा। आप देख सकते हैं मेरा जो इमेज है उसका बैकग्राउंड यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। जो इमेज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप ओपन पे क्लिक करके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक बैकग्राउंड, मतलब थंबनेल की बैकग्राउंड में हमें एक इमेज यूज़ करना है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मैं वीडियो के बैकग्राउंड में लगाने वाला हूँ। तो अगर आपको अपना जो इमेज है वो आप अपने लिए गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इस इमेज को अपने थंबनेल के बैकग्राउंड में लगाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट। देखिए, नॉर्मली क्या है, मैं जो ऐप आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ उस ऐप के अंदर बहुत सारी फॉन्ट ऑलरेडी है, पर उस ऐप के अंदर मैं कस्टम फॉन्ट भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या फिर यूज़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी मेरा एक पसंदीदा एक फॉन्ट है वो है इम्पैक्ट नाम का एक फॉन्ट, इस फॉन्ट को मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। आप अगर चाहे तो अगर आप अपने वीडियो के थंबनेल में कस्टम फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर नहीं भी चाहते हैं तो उस ऐप के अंदर बहुत सारी ऐसी फॉन्ट होंगे उससे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो यहाँ पे जो ऐप यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है पिक्सेल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर। मैंने इस ऐप को ऑलरेडी अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी जाके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ये ऐप ओपन हो चुका है और ये जो ऐप है ये बहुत पावरफुल ऐप है, इसके अंदर ढेर सारी फीचर्स है। तो इस वीडियो में मैं सारी जो फीचर्स है उसके बारे में नहीं देखने वाला, क्योंकि अगर हम सारी जो इन्फॉर्मेशन के या फिर सारी जो फीचर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए जो जो मेन फीचर्स है उसके बारे में हम थोड़ा एक ओवरव्यू देखेंगे एंड बाकी जो डिटेल है वो हम थंबनेल डिज़ाइन करते करते वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं। लैंडस्केप मोड में करने से क्या होता है, हम लोगों को डिज़ाइनिंग करने में थोड़ा इजी हो जाता है। पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये एडिट ऑप्शन है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर टेक्स्ट को अगर आपको एडिट करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन एडिट पर क्लिक करना है एंड जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये हम आगे भी देखेंगे। देन
नेक्स्ट है डिलीट ऑप्शन। अगर यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, कुछ टेक्स्ट को या फिर इमेज को डिलीट करना है, तो हम लोग इस डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको अगर सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट किया तो ओके किया तो ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट जो ये एरो देख रहे हैं आप, ये अंडू ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो मैंने डिलीट किया था वो अंडू हो चुका है। अब यहाँ पे एक प्लस आइकन है, ये नॉर्मली क्या है, जूम है। अगर हमें इसको जूम करना है तो हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे एक ग्रिड है, ग्रिड नॉर्मली तो हम लोगों को डिज़ाइन करने में ये बहुत हेल्प करता है। देन है लेयर, लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको अभी समझना है कि ये एक लेयर ऑप्शन है। जब हम अपना जो थंबनेल है वो डिज़ाइन करेंगे तब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा कि लेयर क्या है, क्योंकि लेयर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर है प्लस बटन, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन है। मतलब अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है अपने डिज़ाइन में तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर ठीक उसी तरह से करेंट डेट, स्टिकर्स, शेप्स या फिर अगर कुछ इमेज जो आपके गैलरी में है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम गैलरी से वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो आप इस ड्रॉ ऑप्शन से उसको कर सकते हैं। फिर है ये जो बटन है, फिर है सेव बटन। मतलब इस सेव बटन पे क्लिक करके आप आपका जो ये फाइल है इसको सेव कर सकते हैं। फिर है शेयर ऑप्शन, मतलब यहाँ से अगर आपको अपना जो डिज़ाइन है उसको शेयर करना है आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या फिर गैलरी में जो इमेज है उसको सेव कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे कुछ कोटेशन है, जो कोटेशन आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे राइट में कुछ ऑप्शंस है, तो ये सब जो ऑप्शन है इसको मैं थोड़ी देर में जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तब इन डिटेल में प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे जो थ्री डॉट आइकन है इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे कि यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, अगर गैलरी से हमें इमेज यूज़ करना है, अगर इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को हमें फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरा से अगर हमें कुछ डायरेक्टली यूज़ इमेज यहाँ पे लाना है, एक्सपोर्ट इमेज, अगर इमेज को हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर है, तो इसको हम धीरे धीरे जानेंगे। देखिए सबसे पहले जो थंबनेल हम डिज़ाइन करेंगे उसकी जो साइज़ है उसको पहले हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो नॉर्मली जो साइज़ होता है वो है 1280 पिक्सल बाई 720 पिक्सल, ये डायमेंशन होता है डॉक्यूमेंट का। तो पहले उसको हम सेट कर लेंगे, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज साइज़ है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए विड्थ जो है 1280 पिक्सल यहाँ पे ऑलरेडी है एंड जो हाइट है उसको हम 720 कर देंगे एंड डन कर देंगे। 720 आ चुका है, एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 हो चुका है एंड देन इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो थंबनेल का जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको हम सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड इमेज हमें लाना होगा। तो बैकग्राउंड इमेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज मेरे गैलरी पे ऑलरेडी है। तो बैकग्राउंड इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको हम टिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ चुका है। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा जो खुद का इमेज है उस इमेज को हम यहाँ पे लाना होगा। उसके लिए फिर से हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हम जाएंगे फ्रॉम गैलरी ऑप्शन पे एंड यहाँ से मेरा जो इमेज मैंने खुद थोड़ी देर पहले उसको PNG फॉर्मेट में, मतलब के जो जिस इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था उस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये इमेज यहाँ पर आ चुका है, अब इसको ओके कर देंगे। तो इमेज यहाँ पर आ चुका है, अब इसको हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देना है, मैंने कर दिया है। आप अगर चाहें तो यहाँ से ग्रिड ऑप्शन को इनेबल करके भी ये चेक कर सकते हैं जो पोजीशन वगैरह जो है वो ठीक है या नहीं। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा साइज़ को। यहाँ तक मेरा जो डिज़ाइन है वो हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल फ्रॉम मोबाइल, ये टेक्स्ट हमें इस राइट साइड पर जो ब्लैंक एरिया है इसके अंदर लिखना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें एक जो टेक्स्ट है हाउ टू मेक ऐसे करके हमें एक टेक्स्ट लिखना होगा। उसके लिए फिर से हमें यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। ये टेक्स्ट आ चुका है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाएंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा हाउ टू मेक, उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, ऑलरेडी ये एडिट मोड पे आ जाएगा एंड देन इसको हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ टू मेक, इसको डन करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है, अब इसको ओके कर देंगे।
हाउ टू मेक यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें कलर वगैरह जो है उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। पहले इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन राइट साइड में नीचे यहाँ पे एक करके एक आइकन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे एडिट है, डिलीट है, कॉपी है, टू फ्रंट है, टू बैक है, पोजीशन है, साइज है, देन पैडिंग, कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी, रोटेट, मास्क। अब यहाँ पे फॉन्ट है, अगर हमें फॉन्ट को यूज़ करना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो भी इस ऐप के अंदर फॉन्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। बहुत सारी फॉन्ट यहाँ पर है, जो भी आपका पसंदीदा फॉन्ट है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पहले भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे कस्टम फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ से कोई फॉन्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज हो रहा है। पर मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप कस्टम फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे माई फॉन्ट्स पे जाना होगा, और एक चीज़ आपको करना होगा, पहले जो आपका फॉन्ट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देन यहाँ पे जो प्लस आइकन है इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको ढूंढना होगा कि आपका जो फॉन्ट है वो कहाँ पर है। ये मेरा फॉन्ट है, तो impact.ttf फॉन्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड ऐड सिलेक्टेड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट है यहाँ पे आ चुका है। नॉर्मल जो फॉन्ट है वो यहाँ पे इस टैब के अंदर दिखा रहा है, अगर आपको कस्टम फॉन्ट यूज़ करना है तो वो माई फॉन्ट के अंदर आ जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये फॉन्ट यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, ये हुआ पहला। अब इसका जो कलर है उसको हमें चेंज करना है, उसके लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ पे ए पे जाएंगे, ऑलरेडी मैं ए पर ही हूँ। अब यहाँ से हमें कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं येलो कलर को यूज़ करने वाला हूँ। ये जो येलो कलर है मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूँगा, ये कलर चेंज हुआ है। अगर आपका जो कलर है वो यहाँ पर नहीं है तो आपको उसको प्लस बटन पर क्लिक करके लाना होगा। तो प्लस बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पे कलर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारी कलर्स हैं, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर कोड है तो आप डायरेक्टली कोड को भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे इस पेंसिल आइकन पे एंड देन डायरेक्टली आप यहाँ से इसको पहले रिमूव करेंगे एंड जो आपका कलर कोड है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। ये कलर कोड है, ये आ चुका है। अब हमें इसको ओके कर देना है, तो ये कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है कलर पिकर का, अगर आपको पर्टिकुलर किसी कलर को पिक करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इससे आप कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको टिक कर देता हूँ। ये हो चुका है मेरा साइज़। अब इसका जो साइज़ है ना, इस साइज़ को मुझे थोड़ा बहुत इनक्रीज़ करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर साइज़ ऑप्शन पर जाएंगे एंड इसको थोड़ा सा इनक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये साइज़ बिल्कुल सही है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा बहुत रोटेट करने वाला हूँ, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है रोटेट करके। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसको थोड़ा बहुत रोटेट करेंगे, -6। हाँ, रोटेट कर दिया है मैंने, इसको ओके कर देंगे। अब हमें इसके पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड लाना होगा, तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शेप्स चूज़ करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी शेप्स ऑलरेडी हैं, आपको जो भी पसंद है उस शेप्स को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे स्क्वायर शेप चाहिए, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी जो कलर होगा उस कलर हमें चेंज करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल कलर है, तो हम इस कलर ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ब्लैक है, मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, इसको ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, ब्लैक स्क्वायर है, हाउ टू मेक जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आ रहा है, हमें इसको इसके नीचे ले जाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे जाना है। आप देख सकते हैं जो जो मैंने काम यहाँ पे किया है वो वन बाय वन यहाँ पे आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, ये हाउ टू मेक जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये हम ऊपर भेज देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ चुका है एंड जो बैकग्राउंड है, जो ब्लैक बैकग्राउंड है स्क्वायर है, वो नीचे चला गया है। ठीक है, तो यही लेयर का काम है, हम इसको बंद कर देंगे लेयर को। अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे साइज़ वगैरह जो है। अब इसका जो साइज़ है इसको हमें थोड़ा बहुत रोटेट करना होगा, तो उसके लिए इस शेप को हम सिलेक्ट करें एंड जब हम टेक्स्ट कर रहे थे तो अब हम ए से जाके कर रहे थे, पर जब हम शेप्स के कुछ एडिट या फिर चेंजेस करेंगे तो उसके लिए हम इस आइकॉन पर जाएंगे एंड यहाँ पर भी देखिए वही ऑप्शन है, यहाँ पर भी रोटेट है, तो रोटेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से
-6 कर देंगे एंड इसको ओके कर देंगे। तो ये सेट हो चुका है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखिए हाउ टू मेक, ये एक टेक्स्ट है एंड ब्लैक जो बैकग्राउंड है वो एक नॉर्मल शेप्स है। अब ये दोनों इस फ्रेम के अंदर अलग अलग है। अब इस दोनों को हमें एक ग्रुप करना होगा या फिर मास्क करना होगा ताकि हम अगर साइज़ वगैरह जो है उसको अगर चेंज करें तो बहुत आसान तरीके से इसको कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें जाना होगा लेयर ऑप्शन पे एंड देन नीचे ये जो टिक ऑप्शन आप देख रहे हैं ना इसको आप क्लिक करेंगे एंड हाउ टू मेक ऑप्शन ये चेक कर देंगे एंड ब्लैक जो है इसको चेक कर देंगे एंड देन ये जो मास्क ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब हमें पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हमें इसको ओके करना है। जैसे ही मैंने इसको मास्क किया, देखिए ये जो दो यूनिट था मतलब कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट था वो एक हो चुका है। अब मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, छोटा बड़ा या फिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसको बंद लेयर को बंद कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे YouTube जो आइकन है उसको इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए मैंने YouTube का जो आइकन है मैंने ऑलरेडी गूगल से उसको डाउनलोड करके रखा है। आपको भी अगर YouTube आइकन यूज़ करना है तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है गूगल से। फिर उसको हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से फ्रॉम गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमें YouTube आइकन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसको ओके करना है। तो YouTube आइकन यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा इसका जो साइज़ है। तो YouTube आइकन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो YouTube जो टेक्स्ट है उसको भी यहाँ पे लिखना होगा। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करूँगा एंड टेक्स्ट लिखूँगा। इसको डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे YouTube एंड डन कर देंगे, ओके करेंगे। इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, पहले जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से ए पे जाएंगे। यहाँ से फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड मैं अपना जो फॉन्ट है उसको यूज़ करने वाला हूँ इम्पैक्ट। मैंने उसको सिलेक्ट किया, ओके किया। अब ये फॉन्ट आ चुका है। इसका साइज़ जो है वो हमें चेंज करना है, ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। और इसका जो कलर है ना, कलर हम इसको वाइट ही रखेंगे ताकि वो अच्छा लगे। अभी हमें इस दोनों को ग्रुप करना है। उसके लिए हम फिर से लेयर पे जाएंगे एंड यहाँ से फिर इस टिक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड इस दोनों को चेक करेंगे एंड देन मर्ज करेंगे। यहाँ पे इसको ओके करेंगे, ये दोनों मर्ज हो चुका है। लेयर को बंद कर देता हूँ। अब नीचे हमें लिखना होगा थंबनेल। थंबनेल के लिए फिर से हमें एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेना होगा। एंड इसके ऊपर हम सिंपली इसको डिलीट करेंगे एंड यहां से हम लिखेंगे थंबनेल THU थंबनेल लिख लिया है। अब इसको डन करेंगे, थंबनेल आ चुका है। इसका जो फॉन्ट है उसको अगर चेंज कर लेते। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए बार बार एक ही काम कर रहा हूँ, मतलब कि फॉन्ट जो है वो मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड के साथ जो टेक्स्ट है उसको बार बार मार्च करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए शायद ये नया होगा, तो जितनी बार मैं उसको दिखाऊंगा रिपीटेडली आपके समझ में उतना ज़्यादा आ जाएगा। बट नॉर्मली जब आप काम करेंगे ना तो इतने ज़्यादा बार बार आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो फॉन्ट है उसको चेंज नहीं करना है। पहले आप जो टेक्स्ट है उसको एक बार लिख के उसको कॉपी करके भी आप काम कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैंने इस थंबनेल को लिखा एंड देन यहाँ से हम उसका फॉन्ट जो है उसको चेंज करेंगे। फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, माई फॉन्ट्स पे जाएंगे, इम्पैक्ट सिलेक्ट करके ओके करेंगे। फॉन्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ से जो इसका साइज़ है साइज़ को चेंज करूँगा, साइज़ ठीक है। अब इसकी जो कलर है उस कलर को मैं चेंज करूँगा, कलर सेलेक्ट किया एंड देन ये कलर मैंने चूज़ कर लिया, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, रोटेट ऑप्शन पे जाएंगे एंड इसको -6 कर देंगे, ओके करेंगे। ये रोटेट हो चुका है। अब इसको मैं एक बार कॉपी करूँगा, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको साइड में मैं रख दूँगा क्योंकि आगे फ्रॉम मोबाइल जो है उसको मैं ये यूज़ करके मैं उसको बना लूँगा। मैं इसको थोड़ा साइड करके रखता हूँ। अब इसका जो टेक्स्ट है वो एक बार मैं एडिट कर ही लेता हूँ। फ्रॉम मोबाइल, इसको मैंने डन कर दिया, ओके कर दिया। अब इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको मुझे छोटा करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से साइज़ ऑप्शन पे एंड इसको इनक्रीज़ कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, ओके कर दिया। एंड इसकी जो फॉन्ट कलर होगा
वो हमें चेंज करना होगा, ब्लैक होगा इसका कलर। ओके कर दिया, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब हमें थंबनेल की जो बैकग्राउंड है उसको सेट करना होगा। उसके लिए हम फिर से यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे एंड शेप्स पे जाएंगे। ये शेप्स आ चुका है, इसकी जो कलर है हमें ब्लैक कलर चूज़ करना होगा क्योंकि थंबनेल जो टेक्स्ट है वो येलो है। इसको ओके करेंगे एंड इसको एडजस्ट कर देंगे साइज़। अब हमें इसको बैकग्राउंड में सेंड करना है थंबनेल के, उसके लिए हम फिर से लेयर पे जाएंगे एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे थंबनेल के नीचे। तो ये नीचे आ चुका है, अब लेयर को हम बंद कर देंगे। अब इसको हम रोटेट करेंगे, तो उसके लिए हमें इस आइकॉन पे जाना होगा एंड यहाँ पे रोटेट ऑप्शन है, इसको -6 कर देंगे एंड इसको ओके कर देंगे। अब हमें इस बैकग्राउंड को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा एंड हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। हाँ ये बिल्कुल सही जगह पर है। अब मैं इसको ग्रुप करूँगा, पर उससे पहले मैं और एक जो ये बैकग्राउंड है इसको कॉपी कर लूँगा। मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये आ चुका है ऊपर। अब इसको मैं यहाँ से डाल दिया, ठीक है। अब हमें इस दोनों को ग्रुप करना है, उसके लिए फिर से हम लेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक करेंगे एंड थंबनेल एंड इस बैकग्राउंड को मर्ज कर देंगे। ये दोनों मर्ज हो चुका है। अब मैं इसको चाहूँ तो एक साथ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब लेयर को बंद कर देंगे। अब हमें ये जो नीचे वाला जो काम है इसको करना होगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, इसका जो बैकग्राउंड कलर वो हमें चेंज करना होगा। उसके लिए हम यहाँ से कलर ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से इसका जो कलर है इसको ओपन कर देंगे एंड इसकी बैक कलर को हम चेंज कर देंगे येलो एंड इसको ओके करेंगे। तो कलर मैंने चेंज कर दिया है, इसको छोटा करेंगे एंड नीचे यहाँ पे सेट करेंगे। अब जो फ्रॉम मोबाइल टेक्स्ट है ये देखिए ये नीचे आ रहा है, तो उसके लिए हमें फिर से लेयर पे जाना होगा। अब ये जो फ्रॉम मोबाइल है इसको हमें ऊपर लेना होगा, तो ये ऊपर आ चुका है, ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब हमें इस दोनों को भी मर्ज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन फ्रॉम मोबाइल एंड इस बैकग्राउंड को दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। ये दोनों भी मर्ज हो चुका है। फिर मैं लेयर को बंद कर दूंगा। तो अब हमें थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना होगा अपने हिसाब से या फिर अपने लिए। पहले इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। अब जब मैं इसको एडजस्ट करूँगा ना, तो मैं चाहूँ तो ग्रिड को इनेबल कर सकता हूँ, तो मैंने ग्रिड को इनेबल कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ तो ये मेरा अल्टीमेट डिज़ाइन है। और आप देख रहे हैं ये जो डिज़ाइन है तो मेरे हिसाब से ये मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि ये प्रोफेशनल है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो अब हमें इसको सेव करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेव बटन पे जाएंगे एंड सेव एस इमेज पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे और ये सेव हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने YouTube वीडियो की जो थंबनेल है वो खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक प्रोफेशनल HD क्वालिटी वीडियो थंबनेल बनाएंगे वो आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मैंने थंबनेल आपको बना के दिखाया है, आपको अगर ये थंबनेल पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक प्रोफेशनल HD क्वालिटी थंबनेल है, तो आप अपने जो इस वीडियो है इसको लाइक कर देना एंड अगर इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।